करते थे आरिशा पीछे, डॉगी ने सारा मूड खराब कर दिया, सारा मूड खराब कर दिया, तेज चिल्लाई और आरिशा मम्मी। एवरीबडी वेलकम बैक टू माई चैनल गुड लाइफ ऑफ एवराज। सो आज है हमारे नानी के घर में डे एट, हाँ डे एट है, शायद एट ही है हमारा या सेवन है या नाइन है, चलो जो भी डे है वो आप जानते होंगे और बाद में मैं चेक करके लिख दूंगा नीचे। सो आज हम व्लॉग में क्या करने वाले हैं तो देखने के लिए आप पूरा व्लॉग एंड तक देखिएगा और चलते हैं। सो व्लॉग शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जल्दी से जाके मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। तो चलते हैं अब पानी भरने चलते हैं। चलो गाइस पानी तो हमने यहाँ भर लिया, येरी परी और ये रहा दीपांशु। क्या हाँ पानी भरो फिर घर जाओ, खाना खाओ नाश्ता करो बस। सो गाइस यहाँ आज नाश्ते में बन रहा है हमारा उत्पम मौसी के हाथ का, है ना मौसी? मेरे हाथ का नहीं है, सूजी का है। हाँ हाँ मतलब सूजी का है, बना तो आप ही रहे हो तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। बोलते हैं मौसी के हाथ का बना हुआ। हाँ मौसी के हाथ का बना हुआ दिखा। सो गाइज यहाँ पर हमारा उत्पम बन चुका है, रेडी हो गया है मौसी के हाथ से बना हुआ। yes, सही बोला ना? यस यस। सो बड़ा टेस्टी लग रहा है, चलो मौसी फिर लगाते हैं इसको, प्लेटिंग करते हैं इसकी। चलो ठीक है गाइस ये रेडी है हमारा, मौसी ने प्लेटिंग कर दी है यहाँ पर, है ना मौसी? नानी को दिखाता हूँ फिर। चलो नानी खाना आ गया आपका, नाश्ता सॉरी। अब टेस्ट करके बताओ कैसा हो रहा है, जल्दी टेस्ट करो। वो तो पता है गर्म हो रहा है, जल्दी बताओ कैसा हो रहा है, टेस्टी? नानी हो गए रेडी? आज तो नया सूट पहन रखा है आपने, अरे अच्छे लग रहे हो बड़े। अब क्या कॉम्प्लीमेंट दूँ मौसी? नो वर्ड्स, मुंह बंद हो गया बस। कितने बढ़िया लग रहे हो, चलो आपके एक वो लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स। जैसे आगे आपने देखा कि नानी गई हॉस्पिटल अपने फिजियोथेरेपी कराने, और जो मैं था मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जो कि कल उसके बिहाइंड द सीन्स देखे आपने, और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ दिन का खाना वाना खा के लंच वगैरह करके, अभी शाम के बज रहे हैं आई थिंक 6 o'clock हो रहे हैं। सो मैं जा रहा हूँ ऊँचा पुल, परी और मैं जा रहे हैं। सो देखते हैं वहाँ पर, आई थिंक हम कुछ गोलगप्पे वगैरह खाने जा रहे हैं। सो गोलगप्पे खाते हैं और नानी की एक दवाई लेनी है, बीपी की दवाई लेनी है तो वो लेने जा रहे हैं। सो चलते हैं और चलो। हम जा रहे हैं ऊंचा पुल, ये मैंने बता दिया है। मुझे बता दिया? हाँ कब? अभी बताया मैंने ना घर पे, या मुझे बोल जा रहे हैं नानी की दवाइयाँ लेने के लिए, बता दिया। गोलगप्पे खा के आएंगे हम। हाँ गोलगप्पे भी खा लेंगे अगर मिलेगा कोई टिक्की टुक्की वाला तो, लेकिन सिर्फ गोलगप्पे खाएंगे, टिक्की खाने का मन नहीं कर रहा। मैं तो बस गोलगप्पे खाऊंगी क्योंकि इतनी गर्मी में और इतनी भुनी हुई टिक्की खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। सही में ठंडा ठंडा पानी होगा। सही में सो गाइस मौसी ने बोला था कि तुम गोलगप्पे खा कर आ जाना थोड़े से, और थोड़े से क्या, जितने की दवाई आएगी उससे जितने पैसे बचेंगे सबके खाना है। हाँ सबके खाए ना गोलगप्पे जितने पैसे बचेंगे, और बाकी थोड़ा घूम भी आना इधर उधर, तो देखते कहाँ घूमते हैं।
गाइस अभी हम घर आ चुके हैं बढ़िया से गोलगप्पे और दवाई लेके नानी की। सो अभी हम क्या करें, सो अब हम कुछ डिस्कस करते हैं परिवार में कि अभी हमको क्या करना चाहिए। 2 hours later गाइस अभी हम सब जा रहे हैं, मौसी लेके जा रही है हमको आइसक्रीम खिलाने। सो ये जा रहा है, दीपू जा रहा है और गली मोहल्ले के कुछ बच्चे हैं वो भी जा रहे हैं। गली मोहल्ले के क्या हमारे मतलब मामी के बच्चे हैं। हाँ मामी के क्या अगर मैं फ्रेम में आ रहा हूँ तो तू फ्रेम में नहीं आ रहा, अगर मैं ऐसे करूँगा तू नहीं हट जाएगा। सो गाइस यहाँ ये है हमारी मामी और आ गए। आप कौन सी आइसक्रीम खाओगे? मैं नहीं खा रही आइसक्रीम। क्यों? बच्चों को खिलाओ। अच्छा आप कौन सी खाओगे? मैं मैंगो। चलो फिर ले लेते हैं, चलो। अरे चलो और अभी इन दोनों ने तो कैसा लग रहा है? अच्छा है। क्या कह रही थी पहले तू? मैं कह रही हूँ इन दोनों ने तो स्ट्रॉबेरी ली है। हम्म। और हमारे पास है चॉकलेट कौन, तेरे पास भी है चॉकलेट? हाँ। ये पास स्ट्रॉबेरी कौन है? अच्छी वैसे लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, आगे तो लाइट आ रही है ना। हम्म। मज़ा आ रहा है ना। हम्म। और आज तक कैसा लग रहा है? आरू आरू परी पीछे डॉगी ने सारा मूड खराब कर दिया। हाँ, सारा मूड खराब कर दिया। तेज चिल्लाई और आशा मम्मी मम्मी और ये तो भाग ही गया था, ये तो इसके पीछे ही पड़ गया था वो। 5 minutes later गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। सो कल वाला व्लॉग 11 o'clock आ जाएगा तो उसको देखने ना भूलिएगा और उसको भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। सो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जब भी आप ये व्लॉग देख रहे हो और नमस्ते।